उस जमीन का सबको आपने 3640 का मुआवजा दिया, तो उसको भी 3640 का मुआवजा दिया। आप दोहरी नीति यहां पर नहीं अपना सकते। वाली 9 तारीख को सावोता कट के नीचे हम एक बड़ी महापंचायत किसान और मजदूर के हित में करेंगे। आदरणीय राकेश टिकैत जी उस पंचायत को संबोधित करेंगे। आपके माध्यम से हम पूरे क्षेत्र से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोग वहां पहुंचें। आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी हम आमंत्रित करते हैं कि आप या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो आपका आगामी कार्यक्रम है आंदोलनों का, उसके बारे में बताएं, क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे हैं किसान की जमीन का मुआवजा गांव को मानते हुए उसका 4 गुना, सर्किल रेट का 4 गुना दिया जाए। एयरपोर्ट से संबंधित जितने भी गांव हैं उनकी जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पहले वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जाएं, उससे पहले कोई रास्ता बंद ना किया जाए। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो वहां पर 1976 से 84 तक नसबंदी के दौरान पट्टे दिए गए, उनको आज शोर बता करके जो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, शोर की भूमि 132 की लैंड नहीं होती, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से मुआवजा दिया जाए। और जो सरकार ने एक बड़ा संकल्प पत्र में एक बड़ा वो पॉइंट दिया था, अपना मुद्दा दिया था कि हम किसान को बिजली मुफ्त देंगे, उस बिजली को मुफ्त किया जाए। जो यमुना एक्सप्रेसवे के तहत 64.7% मुआवजा है, उस मुआवजे को एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे से संबंधित जो भी LFD हैं उन सबको दिया जाए। तो इन मांगों को लेकर के हमारा आंदोलन है। हम सरकार के विकास में बाधक नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर किसान का विनाश होगा तो आंदोलन लखनऊ तक जाएगा। 9 तारीख को जो आपका एक पंचायत हो रहा है, उसकी रूपरेखा क्या होगी, कौन बुला रहे हैं उसकी रूपरेखा यह है कि इस पंचायत को संबोधित करने के लिए किसानों के मसीहा आदरणीय राकेश टिकैत जी वहां पर पहुंच रहे हैं। 9 तारीख में साबोता कट जेवर पर किसान और मजदूर की बात सुनने के लिए और उनको आगे का मार्गदर्शन करने के लिए इस पंचायत को संबोधित करेंगे किसानों के मसीहा आदरणीय राकेश टिकैत जी। और उन्होंने ये बता दिया है कि अगर किसान से बगैर समझौते के, बगैर सहमति के जमीन लेने की अगर सरकार कोशिश करेगी तो इसका आंदोलन यहां से लेकर के लखनऊ तक किया जाएगा। अगर हम आपसे शांतिप्रिय तरीका से विकास को चाहते हैं, लेकिन किसान और मजदूर के विनाश को भी हम नहीं होने देंगे। लखनऊ में क्या रूप क्या होगा आंदोलन का? अगर यहां समझौता हो जाएगा तो ठीक है, अन्य तो रूप तो लखनऊ क्या होगा? जैसे दिल्ली का आंदोलन हुआ, फिर लखनऊ करेंगे।